हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रोशनाबाद पंचायत चुनाव मतदान स्थल पर लिस्ट में स्थानीय ग्रामीणों के नाम न होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही प्रमाण दिखाते हुए कहा कि अगर ग्रामीणों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ मतदाताओं की पूरी सूची ही लापरवाही के चलते ब्लॉक में ही छोड़ दी गई। मतदान स्थल पर सूची उपलब्ध न होने के कारण मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। साथ ही ये भी आरोप है कि कुछ मतदाताओं ने नामों में त्रुटि की गई है, जिसके कारण मतदान अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 500 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम सूची में नहीं है। ये क्या क्या अधिकारियों ने अपनी लापरवाही के तहत ये पोलिंग जो पार्टी आई है उन्हें दिया ही नहीं, पूरा का पूरा ब्लॉक में छोड़ दिया गया। और ये बहुत घोर लापरवाही है। इससे अलग भी रोशनाबाद के अंदर कम से कम 500 मतदाताओं का नाम लिस्ट में नहीं है, जिसकी हमारे पास में अटेस्टेड यानी कि मोहर लगी कॉपी है ब्लॉक की तरफ से, और यहाँ पर जो लिस्ट में नाम नहीं है उन लोगों का जो सूची प्राप्त है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त करे, नहीं तो हम जो ना इनके खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, क्योंकि जिन लोगों को मत का अधिकार नहीं मिला वो मतदाता जो ना आज बहुत आक्रोश में है।